नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज के जो हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर को हम बढ़ाते हैं आगे। हमारे लेक्चर का टॉपिक का नाम है आज नॉबल गैस। काफी दिनों के बाद आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। ऐसे करंट अफेयर तो बेसिकली मैं डेली डालने की कोशिश करता ही हूँ, माफ करिएगा थोड़ा सा लेक्चर्स में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, उस करके थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड को पूरी करने की कोशिश तो मैं पूरी करता ही हूँ। अभी नॉबल गैस के लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर नॉबल गैस पढ़ा दीजिएगा, तो उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट नॉबल गैस और हैलोजन गैस ये मैं आपको दोनों पढ़ा दूंगा। ये एक वीडियो नॉबल गैस का है, इसके बाद में वीडियो और होगा हैलोजन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉबल गैस बिना वक्त गवाए। और हमारा जो नॉबल गैस है बेसिकली एक पीरियोडिक टेबल का एक टॉपिक है ये, ठीक है। 18th ग्रुप में आता है ये, हमारा पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप में ये शामिल है आपका। नॉबल गैस जो है इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, इसको बेसिकली अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस याद रखिएगा, इसको एक नाम और से भी जाना जाता है इंग्लिश में अगर कहें हम लोग तो नॉन रिएक्टिव गैस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इसे नॉन रिएक्टिव गैस भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, और इसे हम लोग इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम क्या है हमारा एक जीरो ग्रुप के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये इतने सारे नाम आप याद कर सकते हैं, क्या क्या नॉबल गैस कह सकते हैं। नॉबल गैस के अलावा इसे 18th ग्रुप, अक्रिय गैस, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट गैस, जीरो गैस, ये सब कुछ इसके नाम है। आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि इतने सारे नाम है क्यों सर, भाई नॉन रिएक्टिव क्यों कहा। बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है, तो देखिएगा हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से लाइनें बनी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारी क्या है, टोटल ये 18 लाइनें हैं, 1, 2, 3 करके ऐसे टोटल 18th लाइन है। और ऐसे करके पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से आपकी 1, 2, 3 करके 7 लाइनें हैं। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइन है उन्हें कहा जाता है ग्रुप। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइन है उन्हें ग्रुप कहा जाता है, और पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्हें पीरियड कहा जाता है। बात समझ में आई, बोलिए हाँ, अरे आई होगी ना, पक्की बात है। अगली बात पे बढ़िएगा आगे, पीरियोडिक टेबल में आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितने ग्रुप होते हैं और टोटल कितने पीरियड होते हैं, तो आप ये बात याद रख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 तो है ग्रुप, जो ये वर्टिकल लाइन है ये सारे ग्रुप की है, तो टोटल 18 ग्रुप होते हैं और टोटल 7 पीरियड होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले पीरियड है। क्या सर कभी ऐसा सवाल आया, बिल्कुल पूछा जा चुका है, रेलवे जेई के पेपर में पूछा गया था कि जो आपके वर्टिकल लाइन है वो क्या होती है, तो वो आपकी ग्रुप्स कहलाती है, याद रख लीजिएगा। तो इतनी बात आप तो याद रहेगी। अच्छा, के अलावा जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि पीरियोडिक जो टेबल है आपकी इसके अंदर, ठीक है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारा जो ये नॉन रिएक्टिव का नाम दिया गया है कि इसे नॉन रिएक्टिव क्यों कहा गया है, तो नॉन रिएक्टिव कहने का इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए दुनिया में जितने भी एटम है, ठीक है, सभी के सभी एटम क्या करते हैं, अपना लास्ट सेल, ठीक है, अपना जो अपना जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अगर जिस किसी के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो बस बात खत्म, ना ही तो वो किसी से कुछ लेगा ना ही किसी कुछ वो देगा, ठीक है। तो ये नॉबल गैसेस उनमें से एक है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, दैट्स वाई इनको कहा जाता है आपकी अक्रिय गैस। अगर आपके पास में जो चीज चाहिए, अभी आपके पास में लैम्बोर्गिनी कार है तो क्यों आप मारुति 800 के पीछे चक्कर काटेंगे, आपके पास में बुलेट राजा है तो आप क्यों बुलेट के पीछे भागेंगे, भाई आपके पास स्टैंडर्ड जो चीज है तो आप दूसरी चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, बस वही बात है। तो नॉबल गैस वो गैस होती है आपकी जो कभी किसी से ना कुछ लेने का काम कर रही है ना कुछ देने का काम कर रही है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई नाम अक्रिय गैस या नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, जीरो ग्रुप भी इसी वजह से हम इसे हम लोग कहते ही है। अब अगला हमारा काम है कि टोटल होती कितनी है सर, ठीक है, तो ये होती कितनी है आपकी, टोटल 6 होती है ये आपकी, 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पे लिख रहा हूं मैं 6। एक नंबर पे क्या है आपकी, एक नंबर पे आती है हीलियम, नंबर 2 पे आती है आपकी नियॉन आती है, नंबर 3 पे आती है आपकी ऑर्गन, नंबर 4 पे आती है क्रिप्टॉन, नंबर 5 पे है आपकी ज़िनॉन और नंबर 6 पे है आपकी रेडॉन, ठीक है, ये आपके 6 नॉबल गैस है। दोबारा बता रहा हूं, पहले नंबर पे कौन सी है आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं हीलियम, बोलते हैं हीलियम गैस है ये आपकी। 2 नंबर पे कौन सी है आपकी, 2 नंबर पे है नियॉन गैस है। 3 नंबर पे आपकी गैस कौन सी है, ऑर्गन है।
चार नंबर पे आपकी गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, और पांच नंबर पे आपकी है ये ज़ीनॉन है, ठीक है, और छह नंबर पे आपकी है रेडॉन है। तो इनके आप नाम याद कर लीजिएगा, नाम आपके लिए बहुत जरूरी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। अगला पड़ाव इनसे इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का 10, ऑर्गन 2, 10, उसके बाद में 18, ठीक है, उसके बाद में 36, उसके बाद में 54 और उसके बाद में 86। याद रख लीजिएगा इनका एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86। अरे बोलो ना, 2, 10, 18, 36, 54, 86। अरे कहा ना मैंने, बोलो, जहां पे बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, बोल लो बस इस बात को। पहली गैस कौन सी है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर क्या है, 2, 10, 18, 36, 54, 86। याद हुआ ना, बोलो हाँ हुआ होगा यार, पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इनका थोड़ा यूजेस के बारे में जानते हैं, क्या यूजेस होगा। ये रेडॉन मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि थोड़ा इसको यहां इस जगह आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। छह नंबर पे क्या है आपके, रेडॉन है, आरएन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या बताया मैंने आपको, 86 बताया। अब देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। आपके पास में एक गिलास पानी है या बाल्टी पानी है, बाल्टी में आपने पत्थर डाल दिया और एक बाल्टी पानी दूसरी उसके अंदर आपने कागज डाला। पत्थर डाला तो क्या होगा, पत्थर बैठ जाएगा पानी में, कागज डाला तो कागज ऊपर तैरता रहेगा। मतलब पत्थर भारी है तो अगर वो बैठ गया, कागज हल्का है तो तैर रहा है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। जो आपकी रेडॉन गैस है, रेडॉन गैस ये आपकी सबसे भारी गैस होती है, याद रखिएगा, ये भारी गैस का नाम दिया जाता है, ये सबसे भारी गैस है। और जो आपकी हीलियम है ये सबसे हल्की गैस का नाम है इसका, ठीक है, ये सबसे हल्की गैस होती है आपकी। अब थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन आता है आपका, मान लीजिएगा ये क्वेश्चन है आपका कि सबसे भारी गैस कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास में, एक ऑप्शन है आपके पास में रेडॉन है, एक ऑप्शन है आपके पास में ज़ीनॉन, एक ऑप्शन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑप्शन आपका है, मान लेते हैं नियॉन आपका एक ऑप्शन है। तो नो डाउट आपका सबसे भारी गैस जो है वो रेडॉन ही होती है, इसमें कोई चूक वाली बात भी नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास में रेडॉन नहीं है, मान लेते हैं रेडॉन ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे भारी गैस क्या लगाएंगे। थोड़ा सा सवाल बदलते हैं फिर हम लोग, सबसे भारी गैस और ब्रैकेट में यहां लिखा हुआ है आपका वातावरण, ठीक है, सबसे भारी गैस वातावरण में कौन सी होती है। तो देखिएगा, रेडॉन वातावरण में तो है ही नहीं, तो इसका जवाब फिर होगा हमारा ज़ीनॉन। तो एक पॉइंट आप बना के लिख लीजिएगा कि रेडॉन जो है ना वो गैस है आपकी जो वातावरण में नहीं पाई जाती, वातावरण में नहीं पाई जाती, ये वातावरण में नहीं पाई जाती है आपकी, ठीक है। ये आर्टिफिशियली तैयार की जाती है, यानी कि कृत्रिम रूप से तैयार की जाने वाली गैस। अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र नोबल गैस ऐसी कौन सी है जिसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, रेडॉन आपका जवाब रहेगा। अच्छा सर, इसे तैयार किया जाता है तो जरूरी सा कोई काम भी होगा। बिल्कुल, इसका कोई काम भी है। रेडॉन गैस जो है इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कैंसर के इलाज में यूज करते हैं, कैंसर के इलाज में इस गैस का यूज किया जाता है। अच्छा, जब भी कैंसर का नाम आए तो केमिस्ट्री में दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो रेडॉन गैस का यूज करते हैं कैंसर के इलाज में, और एक गैस जो है आपकी कौन सी, एक आपका कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 नामक एक आपका रेडियो एक्टिव, क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेस में इसका यूज करते हैं, संस्थानिक है, इसे हम लोग यूज करते हैं कैंसर के इलाज में। अच्छा, एक बात मजे की है, रेडॉन से कैंसर ठीक भी होता है, रेडॉन इज अ कॉजिंग ऑफ कैंसर, रेडॉन से कैंसर भी हो जाता है। तो कैसे होता है वो हम लोग इसे इसके बाद में टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग रेडियो एक्टिविटी उसमें जान पाएंगे। तो रेडॉन वातावरण में नहीं होती है, सबसे भारी गैस वातावरण में तो नहीं है, वैसे भारी है ये, कैंसर के इलाज में कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। अच्छा, वातावरण में नहीं है इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि प्रकृति में भी नहीं है। भूकंप आने के दौरान, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है, भूकंप आने के दौरान कौन सी गैस निकलती है, भूकंप आने से जो है रिलीज होने वाली गैस है रेडॉन गैस है आपकी, याद रखिएगा। ये एक रेडियो एक्टिव गैस भी है, तो इसको वैसे भी याद कर सकते हैं आप लोग, ये रेडियो एक्टिव गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, नॉर्मल गैस में रेडियो एक्टिव कौन सी है, रेडॉन है आपकी, ठीक है, वातावरण में नहीं पाई जाती वो भी रेडॉन है, भूकंप आने से रिलीज होती है याद रखिएगा, सबसे भारी गैस है वो भी याद रखिएगा आप लोग, और कृत्रिम रूप से बनाई जाती है क्योंकि कैंसर के इलाज में इसका यूज होता है, के अलावा केमिस्ट्री में कोबाल्ट 60 का भी यूज होता है कैंसर के इलाज में। होपफुली आपको इतनी सारी चीजें याद हुई होगी, बहुत अच्छी बात है याद हुई हो तो। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमारा नाम आता है जिनोन का नाम आता है। तो जिनोन है, अभी तो एक तो क्वेश्चन इसका याद ये करवाया मैंने आपको, सबसे भारी गैस वातावरण में कौन सी है, जिनोन। अच्छा मान लेते हैं जिनोन ऑप्शन में नहीं है तो आप जवाब लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी सबसे भारी गैस है पर वातावरण में सबसे भारी जो है जिनोन के बाद इसका नंबर आता है। अच्छा जिनोन का यूज कहां होता है, जिनोन का यूज होता है आपका कैमरा के फ्लैश लाइट में यूज होता है इसका, कैमरा फ्लैश लाइट में इसका यूज होता है, याद रखिएगा आप लोग कैमरा फ्लैश लाइट में इस गैस का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कैमरा के फ्लैश लाइट में किसका यूज किया जाता है तो कैमरा के फ्लैश लाइट में जिनोन का यूज किया जाता है आपका, ठीक है। तो क्या इसको रब कर दो, चलो रब करना छोड़ देते हैं, रहन देते हैं रब करना, ठीक है। और एक बात और भी आप लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा कंपाउंड जो है ना अगर गैसेस में, नॉर्मल गैसेस में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन से गैस के हैं तो जिनोन गैस के सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं आपके, ठीक है। इसके सबसे ज्यादा कंपाउंड यानी कि यौगिक जो है आपके, यौगिक सबसे ज्यादा जिनोन गैस के यौगिक पाए जाते हैं आपके। और भी हमें जो याद रखना है इसके, इसे बबल चैम्बर में इसका यूज किया जाता है, गामा रेज वगैरह जो प्रोड्यूस की जाती है उस टाइम में भी इस जिनोन गैस का हम लोग यूज करते हैं, एज ए लाइट भी यूज होती है। खैर जिनोन के लैंप जो है आपका वो भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा नियॉन लैंप यूज होते हैं डेकोरेशन लाइट में। खैर आपको बढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस के कंपाउंड है जिनोन के, इसे कैमरा फ्लैश लाइट में भरते हैं, ठीक है, और सबसे भारी गैस है वातावरण में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रिप्टॉन के बारे में जिक्र करते हैं। क्रिप्टॉन क्या है, एक क्रिप्टॉन जो है आपकी गैस है वो आपकी रनवे लाइट में यूज की जाती है, ठीक है। रनवे लाइट में आपने देखा होगा जहां पे हवाई पट्टियां होती है, जहां पे हवाई जहाज रनवे पे दौड़ता है फिर ऊपर उड़ता है, तो पहले जो रनवे पे जो लाइट लगी होती है वो आपकी क्रिप्टॉन गैस की होती है, वो आप याद रखिएगा। क्रिप्टॉन गैस जो है उसकी रनवे लाइट में हम लोग यूज करते हैं। और क्रिप्टॉन गैस का कहां यूज किया जाता है आपका, क्रिप्टॉन गैस का और बेसिकली ये निकलती कहां से, एक चेन रिएक्शन के दौरान निकलती है। आपको पता होगा यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 235 ले लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर एक न्यूट्रॉन को डाला जाए तो ये टूटेगा एक बैरियम में, ठीक है, प्लस में एक क्रिप्टॉन में टूटेगा, प्लस में तीन नए न्यूट्रॉन में, यहां से क्रिप्टॉन निकली है आपकी ये, तो ये चेन रिएक्शन या एटॉमिक बम जब बनता है आपका उसकी एक रिएक्शन है, इसके दौरान ये निकलता है। बहुत ज्यादा क्या कहते हैं स्पार्क होता है इसकी लाइट में। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम जब घरों में क्यों यूज करते हैं, तो घरों में यूज ना करने का सबसे बड़ा कारण इसका ये भी है कि देखो एक लाइट 500 रुपए की है, एक 5000 रुपए की है, इतने महंगी लाइट कौन यूज करेगा। दूसरा इतना ज्यादा स्पार्क होता है इस लाइट में कि आंखें सही नहीं पाएगी भाई, आपके आंखों के सीधा लट्टू ठोक दे, ठीक है ले सीधा लट्टू है ये, तो आंखों के आगे थोड़ी ना कोई ऐसे मतलब मर्करी लाइट भी हम आंखों को नहीं झेल पाती है सीधा, तो आजकल तो बल्कि रिवाज है डाउन सीलिंग करके खोपचे में लाइट लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, तो थोड़ा मंद मंद लाइटें हो आजकल का रिवाज वैसा है। तो क्रिप्टॉन गैस को हम लोग रनवे लाइट में यूज किया जाता है और एक चेन रिएक्शन के दौरान जो है आपकी प्रोड्यूस होती है, वो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारी गैस है इसके अंदर वो है ऑर्गन गैस है। ऑर्गन जो है, ऑर्गन का यूज किया जाता है आपका आर्क वेल्डिंग में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो आर्क वेल्डिंग में ऑर्गन गैस का यूज किया जाता है। इसके अलावा आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि इसका यूज हम लोग करते हैं किसका, कहां यूज करते हैं इसका यूज हम लोग, इसका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में भी भरने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं आपके उनमें भरने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी। जो ये मैं आपको समझा रहा हूं फिलहाल के लिए, तो इसको जो लिखना अगर आपको है तो मैं इसके मतलब जो लिंक होगा उसमें पीडीएफ डाल दूंगा, या आप मुझसे मांग लेना पीडीएफ इसकी, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है 9468173029, आप मुझसे कह देना सर नोबल गैस की पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ जो है आपको मैं सेंड कर दूंगा नोबल गैस का। फिलहाल आप आराम से समझिएगा, आपको पता है लिखने में इतना क्या मजा होता है जितना समझने में मजा होता है, ठीक है। नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा, सब कुछ लिखे हुए हैं, तो बस यार मजे करो ना, सब समझो ना, आप क्या टेंशन लेना है, जैसा रहना है वैसा रहो ना, मजे में रहो। आप सोच रहे हो सर आज आपने ये क्या मतलब बना रखा है, बस मेरा दिल कर गया, ठीक है, बना लिया वैसे ही, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे। ऑर्गन क्या है आपके, ऑर्गन आर्क वेल्डिंग में यूज की जाती है, और आर्क वेल्डिंग के अलावा इसे कहां यूज किया जाता है आपका, फ्लोरोसेंट बल्ब में, ठीक है। फ्लोरोसेंट बल्ब और आर्क वेल्डिंग में इसका यूज किया जाता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ये आर्क वेल्डिंग होती है आपकी, एक आर्क वेल्डिंग और आपके जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब इसमें इस गैस को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अलावा इसे इलेक्ट्रिक
ट्यूब लाइट में भी इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट में। हालांकि आजकल प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक बल्ब में ऑर्गन की जगह हम लोग भर रहे हैं कौन सी गैस, ऑर्गन की जगह हम लोग ना आजकल भरने जा रहे हैं नाइट्रोजन गैस भर रहे हैं, थोड़ा वो भी आप याद रखिएगा। ऑर्गन को हमने रिप्लेस कर दिया है नाइट्रोजन से, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, तो 8 ऑक्टेट बहुत जल्दी पूरा करने की वो कोशिश में लगी रहती है आपकी, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो है नियॉन गैस है। नियॉन को हम लोग यूज करते हैं लेजर लाइट में, ठीक है, लेजर लाइट में इसका यूज किया जाता है आपका। अच्छा थोड़ा सा ना आपको बताऊं, एक तो देखो होती है एलईडी, एक होती है लेजर। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की लाइट हमेशा यूं फैलेगी आपकी, लेकिन लेजर की लाइट हमेशा मोनोक्रोमेटिक होती है, सीधी जाती है। मान लो गाड़ी चला रहे हो आप, सर्दियों में धुंध आ गई, तो आपको लाइट फैलने वाली चाहिए, एक सीधी जाने वाली चाहिए, ऑफकोर्स आपको सीधी जाने वाली चाहिए, तो दैट्स वाई से लेजर लैंप में इसका यूज किया जाता है आपका, ठीक है। जो लेजर लैंप होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, या यूं कह दीजिएगा आप लोग फॉग लैंप में इस लाइट का यूज किया जाता है, सर्दियों में धुंध में जो फॉग लैंप होते हैं उसमें इसका यूज। सिग्नल लाइट में, ठीक है, सर्दियों के अंदर जो आपके रेलगाड़ी के जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल लाइट जो होती है, उनमें इस गैस का यूज किया जाता है, सिग्नल लाइट में इसका, ठीक है। और उसके आपके क्या कहते हैं इसका लो प्रेशर पर नियॉन गैस के इलेक्ट्रिक बल्ब भी बनाए जाते हैं, छोटे छोटे वो डेकोरेशन में लैंप होते हैं ना, आपने झूमर वगैरह में देखे होंगे, ठीक है, तो नियॉन लैंप भी होते हैं, डेकोरेशन लैंप या लैंप बनाए जाते हैं इसके नियॉन गैस के भी आपके। अच्छा लेजर भी कौन सी होती है, रेड कलर की लेजर होती है, वो याद रखिएगा आप लोग। अरे आप छोटे होते लाते थे ना, वो ऐसे दीवारों पर सीधी मारते थे, समथिंग टाइप। हीलियम, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हीलियम के यूज है आपके, हीलियम, ठीक है, हीलियम काफी इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के पेपर के लिए भी, काफी आते भी हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो हीलियम की ये है कि हीलियम जो है आपकी सबसे हल्की गैस है, अभी हमने पढ़ा सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, सबसे हल्की गैस है हीलियम। दूसरी बात, हीलियम जो है आपकी 4.8 केल्विन पे ही कूल हो जाती है, आप सॉरी बॉइल हो जाती है, 4.8 केल्विन पे बॉइल होती है आपकी। सबसे ज्यादा हीलियम पाई जाती है सूर्य की सतह पे, ये सूर्य है आपका सन, सन के अंदर 71.5% हाइड्रोजन है, राउंड फिगर में आप 71% याद कर सकते हैं, पर सूर्य की सतह पे, सूर्य के कॉमोस्फेयर पे 26.5% जो है वो हीलियम होती है, याद रखिए, जैसे राउंड फिगर में नहीं, पूरा पूरा याद रखना होगा आपको। हीलियम का यूज किया जाता है और आपका एमआरआई में यूज किया जाता है इसका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, जिससे मतलब बीमारी वगैरह डायग्नोज, अक्सर लकवा वगैरह होता है, रीढ़ की हड्डी में इश्यू होते हैं, तो इस गैस आपने देखा होगा एमआरआई करवाई जाती है, और मतलब पूरी बॉडी के फुल बॉडी डायग्नोज होता है डिजीज का, 7-8-10 हज़ार का एक प्रोसेस है इस टाइप का। हीलियम का यूज हम लोग कहां करते हैं, हॉट बैलून्स में, जो गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे उनमें भरने के लिए इसका यूज किया जाता है हीलियम का, याद रखिएगा। हीलियम का यूज स्कूबा ड्राइवर होते हैं, यानी कि जो गोताखोर होते हैं आपके, गोताखोर, उनमें ऑक्सीजन टैंक के साथ भरी जाती है, ताकि हल्की होती है, फ्लो रेगुलर बना रहे ऑक्सीजन का, ठीक है। और जो अस्थमा होते हैं, ठीक है, अस्थमा के मरीज होते हैं, या नॉर्मल जिनको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, अस्थमा के मरीजों के जो मरीज है, उन मरीज के ऑक्सीजन टैंक में, ठीक है, ऑक्सीजन टैंक में हीलियम को भरा जाता है। अरे आपने देखा होगा फिल्मों में ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, विलन आता था।